आदरणीय अध्यक्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी श्री राजेंद्र पाटिल जी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी चेयरमैन श्री नरेंद्र विचारी जी, ज्यांचा आता आपण नुकताच सत्कार केला, असे आदरणीय श्री जी एस मालगावकर जी, श्री विक्रांत मांद्रेकर जी, श्री चंद्रजीत यादव जी, इथं उपस्थित सर्व आदरणीय मान्यवर बंधूंनो आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम या कला प्रदर्शनाच्या निमित्ताने ज्यांचा इथं सत्कार आयोजित करण्यात आला आहे त्या सर्वांचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो, सदिच्छा देतो, शुभकामना देतो व भगवान सिद्धिविनायक त्यांना भरभरून आशीर्वाद देत त्यांच्या हातून या क्षेत्राची सेवा यापेक्षा जास्त घडावी अशी शक्ती, ऊर्जा, उत्साह भगवान सिद्धिविनायकाने त्या सर्वांना द्यावा. आदरणीय माझगावकरजी जे म्हणाले की ज्यांना पुरस्कार प्राप्त झाला नाही त्यांनी हे निराश होण्याचं कारण नाही. लहरों से ढककर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. पुरस्कार कार्यक्रम दर वर्षी होते, प्रयत्न सुरू ठेवा, आपल्याला पुन्हा पुरस्कार प्राप्त होईल हाही माझा निश्चितपणे विश्वास आहे. खरं तर या कार्यक्रमात उपस्थित होताना मनापासून आनंद होतोय. यहाँ जो मेरा पहला शो था जहांगीर गैलरी में 1981 में, वहाँ से आज तक मैं सब जो मेरे को अच्छा लगता है कि जो मेरे को काम करने में आनंद मिलता है वो मैं पेंटिंग करता हूँ. और नेचर जो है वो मेरे बहुत भाता है, क्योंकि मैं भी एक नेचर का पार्ट हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, आगे सामने का जो नेचर लगता है दिखता है अपने को, उससे मैं जैसा हूबहू नहीं बनाता, क्योंकि वो तो फोटोग्राप कर सकता है लेकिन वो जो निसर्ग है वो जो वो अपने मन में उसको जगा देता है, बाद में वो निकल देता है और वो मैं कैनवास पे डालने का प्रयत्न करता हूँ. देखिए, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की जो जर्नी है 135 साल से जो हो रही है, 1888 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी और उसके बाद 1879 से ये एग्जीबिशन शुरू हुआ है हमारा. तो ये 131 एग्जीबिशन जो है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का, ये जर्नी बहुत लंबा है. और जो कुछ आज हमने यहाँ देखा है कि जिस प्रकार की कला, जिस प्रकार की चित्रकार शिल्पकार यहाँ आए हैं, करीबन आज 2500 से ज़्यादा एंट्रीज यहाँ पे आई थी, जिसमें से जूरी ने करीबन 190 आर्टवर्क सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आज 48 अवार्ड्स हमने अलग अलग
चित्रकार शिल्पकारों को दिया है। और आज हमें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को बेहद खुशी है कि आज यहाँ पे हमने जो 2004 में शुरू किया था कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो बॉलीवुड में होता है, साहित्य कला में होता है, लेकिन चित्रकला क्षेत्र में नहीं था। तो ये 2003-04 से हमने जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया, जब से मैं सोसाइटी से जुड़ा हूँ, तो आज हमें बेहद खुशी है कि ये अवार्ड एक गुरुवर्य वरिष्ठ चित्रकार जीएस माजगांव के सर को दिया गया है। माजगांव के सर का अपना एक काम करने का तरीका है, स्टाइल है, जैसा कि वो उन्होंने अभी कहा कि लैंडस्केप को लैंडस्केप जैसा कि वैसा कॉपी नहीं करते, क्योंकि वो तो फोटोग्राफ कर लेगा। तो ये लैंडस्केप का इनका जो अपना थॉट है, वो थॉट तो यही है कि आप निसर्ग के साथ जुड़े हैं, आप निसर्ग में रहते हैं, उनके साथ जुड़े हैं, आप में निसर्ग समाता है, आप उसको पचाते हैं, रिझाते हैं, फिर बाद में उसका रिफ्लेक्शन जो आता है वो सर की अपनी जो सोच है वही उनकी कला से जुड़ी हुई है, वही एक उनकी कला से जुड़ी हुई है। और उनके जो लैंडस्केप है वो काफ़ी नहीं है, वो अलग लैंडस्केप है, आपको वो लैंडस्केप एंजॉय करने के लिए वो खुद देखना होगा। और उस लैंडस्केप में और जो हमारी जो ट्रेडिशनल लैंडस्केप है उसमें एक फ़र्क यही है कि ये जो लैंडस्केप है सर के, ये क्रिएटिव लैंडस्केप है, ये कॉपी नहीं है। तो हमें खुशी है कि आज ऐसे एक कलाकार, ऐसे एक चित्रकार, ऐसे एक गुरुवर जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में एक कला अध्यापन का काम किया है, उन्हें हमें बेहद खुशी है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को कि रूपधम लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से उन्हें यहाँ गौरवान्वित किया गया है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है हमारा रूपधर, उसकी गरिमा बल्कि जब सर जैसे कलाकार इसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, तो ये अवार्ड की हमारी गरिमा बढ़ते जाती है। सोसाइटी का जो प्रवास है, आगे की जर्नी है, वो शुरू ही रहेगी। और हमारे जो आर्ट गैलरीज है जो बैंड्रा में शुरू हुई है, वहाँ भी अभी रेगुलर एग्जीबिशंस हो रही है। और ये शो हमें बेहद इससे आशा है कि आने वाले दिनों में अभी यहाँ काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल भी शुरू है, तो यहाँ दर्शक वर्ग आएंगे और आर्ट को अपने तरीके से, अपने स्टाइल से सब आएंगे और दे विल एंजॉय द आर्ट एंड दे विल सेलिब्रेट द कंटेम्प्रेरी आर्ट। थैंक यू। सबसे पहले आपके बारे में बताइए, आपकी पेंटिंग के बारे में बताइए, जो अवार्ड मिला आपको। ये जो मैं एक्चुअली 30 साल से पेंट कर रही हूँ, ये जो मेरी पेंटिंग है ये स्पूल्स ऑफ टाइम है, जिसका मतलब है कि जैसे टाइम बीतता जाता है, हमारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, वो सब मैंने इसमें डाल, कहानियाँ जो लिखते हैं, हम बोलते हैं, सोचते हैं, वो सब इस पेंटिंग में मैंने, वो पूरी धारणा है इस पेंटिंग में मेरी। थैंक यू। एक्चुअली मैं, मेरा नाम आर्टिस्ट मदन पवार हूँ, मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ है पेंटिंग में। एक्चुअली मैं जब सीनरी या लैंडस्केप दे स्टडी करता हूँ, तो उसमें ये घरों का सीन, ये जो चीज़ें है, जब मैं फर्स्ट टाइम राजस्थान गया था, वहाँ पे ये चीज़ें मुझे ना बहुत रियलाइज हुई, जो ब्लू सिटी है उससे मैं इंस्पायर हूँ, और उसी के सीरीज पे मैं ज़्यादातर हाउसेस को लेके क्रिएटिव पेंटिंग करता रहता हूँ कंटिन्यूसली, और प्रोफेशनली मैं हर जगह मेरा काम प्रेजेंट होता रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा नाम मोनिका संदीप फुले है, मैं इचल करंजी से हूँ, कोल्हापुर, बट मुंबई में कुछ सालों से रह रही हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो मेरा बनाया हुआ है कलाकृति है, बहुत सालों से काम कर रही हूँ, और आज मुझे दुपेंद्रे हुसैन स्कॉलरशिप से नवाजा गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक आज वेल नोन आर्टिस्ट की तरह आगे से शायद जानी जाऊंगी।